तो गाइस यार मुझे इंसान बनने में कोई मजा नहीं आ रहा, मुझे यार अपने पूर्वजों की तरह बंदर बनना है। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ तरके क्या कह रहा हूँ मैं। असल में गाइस यार तुम्हें पता है अपने पूर्वज कौन थे? बंदर थे। और बंदर किसके जैसे दिखते? गोरिल्ला जैसे। यार बंदर तो कमजोर होते पर गोरिल्ला ताकतवर होते, इसलिए आज तुम्हारा भाई बनने वाला एक खतरनाक वाला गोरिल्ला। और गाइस यार उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे गोरिल्ला को खाना होगा, समझ रहे हो? गोरिल्ला खा के मैं गोरिल्ला बन जाऊंगा, पर मुझे अल्टीमेट गोरिल्ला बनना है। छोटा मोटा नहीं, अल्टीमेट गोरिल्ला। तो गाइस यार रुको यहाँ पर, मैं देख लेता हूँ। अच्छा इस तरफ है। तो यार अभी जहां पर मैं जा रहा हूँ ये गांव असल में पता हूँ कौन सा गांव है? यहाँ पर एक गोरिल्ला है, वो बहुत ज्यादा ईविल है, बहुत ज्यादा डेंजर है। वो गोरिल्ला बताऊँ कहाँ से आया है? यहाँ पर पास में एक साइंस लैब है, वहां से वो गोरिल्ला भाग के आ गया था इस वाले गांव के अंदर। और भाई ये पूरा गांव खाली कर चुके हैं पूरे लोग, बताऊँ क्यों? उससे डरते हैं यार, वो गोरिल्ला असल में बहुत ज्यादा ताकतवर है। चलो गाइस यार अभी मैं उसे ढूंढने आया हूँ यहाँ पर, उस गोरिल्ला के बच्चे को, उसके बाद हम उसे खा लेंगे। चलो गाइस यार चलते हैं। अबे ये गाड़ी कैसे चल रही है? अरे भैया हम अपनी गाड़ी लेने आए थे, यहाँ भूल गए थे। गाइस यार लगता है ये बंदा अपनी गाड़ी भूल गया होगा खौफ की मारी। चलो गाइस यार यहाँ पर इतने सारे घर हैं, मुझे इन सभी घरों के अंदर तलाशी लेनी होगी, आखिर वो गोरिल्ला मुझे कहाँ पर मिलेगा। अबे शिट यार, यहाँ के लोग असल में यहाँ पर लॉक लगा के जा चुका अपने घरों के अंदर, जिससे यार वो गोरिल्ला तबाही ना मचा सके। अब मैं उसे ढूंढू तो ढूंढू कहाँ पर? यहाँ पर तो मेरे को लग रहा है सारे घर लॉक पड़े हैं। नहीं गाइस यार देखो वो घर अनलॉक पड़ा है। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी गन निकाल लेता हूँ, जिस गन से मैं उसे बेहोश करने वाला हूँ। तो गाइस यार मेरे पास है स्टन गन, क्योंकि यार वो गोरिल्ला खतरनाक है, तो मुझे उसके ऊपर हमला करना होगा और उसे बेहोश करना होगा, जब भी मैं उसको खा पाऊंगा, वरना वो मुझे खा जाएगा। चलो गाइस यार छुपछे छुपते चलते अंदर आराम से। ओ गाइस यार मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए शायद। गाइस यार मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, भाई मेरे अंदर इतना जगरा नहीं है जो मैं उससे लड़ सकूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो यार सुमित भाई हम तुम्हारे साथ है। चलो गाइस यार ओए वो रहा वहां पर है यार, मुझे डर लग रहा है, पर गाइस यार मुझे गोरिल्ला बनना है तो मेरे को करना ही पड़ेगा। ओए गोरिल्ला के बच्चे तू बचने वाला नहीं है, पता नहीं यार वो अंदर क्या कर रहा है, पर तुम लोग मेरे साथ हो ना, बस जल्दी से यार कमेंट बॉक्स में लिख दो सपोर्ट। ओके आराम आराम से चलते। भाई ये क्या कर रहा है? लगता है कीड़े मकोड़े खा रहा है, ये ले। ओके तो गाइस यार मैंने उसके ऊपर एक स्टन गन चला दिया। अबे ये तो फिर से खड़ा हो रहा है, अबे एक और चलानी पड़ेगी, ये ले। ओके तो गाइस यार मैंने लगता है इसको बेहोश कर दिया, चलो इसको खा लेता हूं। यम 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 यम। ओहो गाइस अरे ये क्या यार, मुझे तो एक गोरिल्ला बनना था, मैं तो एक चिंपांजी बन के रह गया। भाई ये चिंपांजी क्यों बन गया मैं? लगता है जो मैंने गोरिल्ला खाया था ना वो बहुत ज्यादा गंदा गोरिल्ला होगा, क्योंकि उसके ऊपर साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा रिसर्च की होगी ना, इसलिए वो बहुत गंदा हो चुका होगा, इसलिए मैंने उसको खाया तो मेरे को ज्यादा पावर नहीं मिली। पर कोई बात नहीं यार, चलो गाइस यार हम और भी खाएंगे गोरिल्ला, जिससे और भी ज्यादा ताकत बनेंगे। उसको खाने से नहीं मिली तो क्या हुआ? और अब मेरे बालको और तुम लोगों को क्या चाहिए? मेरा बताओ, तुम्हारे पापा तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, पर तुम लोग खुश रहा करो यार। चलो तुम अब भी खुश नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए और भी नई नई चीजें लेके आता हूँ, पर तुम लोग खुश रहो यार, मैं चाहता ही हूँ। अरे भाई साहब, अरे चलो यार मेरा काम भी जी हो गया। अरे भाई साहब हेलो, भैया मेरी मदद करोगे? कैसी मदद करनी भाई साहब आपकी? अरे भाई साहब मैं चाहता हूँ आप मेरे बच्चों का ध्यान रखो यार, मुझे उनके लिए बाजार से सामान लेके आना है, जब तक आप इनका ध्यान रख लो मैं जब तक बाजार में से सामान लेके आ जाऊंगा, बताओ प्लीज आप मेरी हेल्प करोगे? अरे क्यों नहीं, एक चिंपांजी दूसरे चिंपांजी के तो मदद आएगा। अरे नहीं भैया मैं गोरिल्ला हूँ, चिंपांजी नहीं हूँ भैया। अच्छा गाइस यार ये गोरिल्ला है, मतलब इसके बच्चे भी गोरिल्ला होंगे? हाँ भाई साहब कोई टेंशन नहीं, मैं आपके बच्चों का ध्यान रख लूंगा। ओ भैया आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, भाई साहब आप बहुत अच्छे आदमी हो, तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सामान लेने मेरे बेटों के लिए, मेरे बेटे हमेशा खुश रहने चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। बेन टेंशन मत लो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए और नया नया सामान लेके आऊंगा, जिससे तुम लोग खेलना और हमेशा खुश रहना बस। गाइस यार मजा आ गया, वो गोरिल्ला मेरे ऊपर छोड़ गया अपने बच्चों को, नाइस नाइस नाइस। ओए क्या हाल है बच्चों, तुम्हारे अंकल आए हैं। गाइस यार अब इनको खा लूंगा और उसके बाद में अपग्रेड हो जाऊंगा, मजा आएगा ना बिड़ू, मजा आएगा। अरे अंकल। अबे कौन बोल रहा है मेरे को? इनमें से लगता है कोई बोल रहा है मेरे को। हाँ कौन सा? अंकल इधर आओ इधर। ओ गाइस यार लगता है वो वाला गोरिल्ला बोल रहा है मेरे को। ओ गाइस यार देखो ये स्काई ब्लू कलर का है। अरे अंकल मेरी मदद करो ना। अबे क्या चाहिए मेरे बेटे तेरे को? अरे अंकल अंकल मेरे को स्विमिंग पूल में तैरना बहुत ज्यादा पसंद है, पर पापा आज मुझे स्विमिंग नहीं करने दे रहे, आप मेरे को स्विमिंग करने दो ना। हाँ क्यों नहीं गाइस यार यही सही है, अगर मैं इन गोरिल्ला का आगे इनके भाई को खाऊंगा ना तो गाइस यार ये लोग चिल्लाएंगे, पर अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा इनसे तो ये इसको आराम से खा लूंगा यार मैं। चल आजा मेरे साथ चल, बता कहाँ पर है तुम्हारा स्विमिंग पूल? अरे अंकल वहाँ पर अंदर है ना हमारा घर, वहाँ पर स्विमिंग पूल है, वहाँ ले चलो। आजा आजा मेरे साथ आजा, मैं भी तैरूंगा तू भी तैरियो। अरे अंकल आप तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। हाँ आजा आजा मेरे राजा, और तेरे को पेट में ले जाऊंगा फिर मैं खाऊंगा। अंकल कुछ कह रहे हो क्या? अरे नहीं 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 चल
जल्दी आ जाओ, हम जल्दी से चलते हैं। अंकल मजा आएगा तैरने में, मुझे तैरना बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ मेरे बेटे सही कह रहे हैं, तैरना अच्छी बात होती है। यही घर है क्या तुम्हारा? अंकल यही अंदर, चलो अंदर। ओ गाइस यार कहाँ पर स्विमिंग पूल? गाइस यार कितना बड़ा स्विमिंग पूल है भाई, मेरे घर में भी नहीं इतना बड़ा स्विमिंग पूल तो सही में यार, खतरनाक खतरनाक अति जहरी। अरे बेटे चलो नहाऊंगा मैं तो, स्विमिंग पूल के अंदर तैरूंगा, ओ मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। ओ बल्ले बल्ले, अंकल शुक्रिया आपका। गाइस यार अब मैं इसको बेहोश कैसे करूं, अबे तैर कैसे रहा है पागलों की तरह। गाइस यार देख रो रो क्या कर रहा है बच्चा, है पता ही नहीं पागल हो चुका है, कितनी तेज तैर रहा है यार, लगता है तैरने का लगी शौक इस ग्वाले गोरिल्ला को। पर गाइस यार मुझे इसको कैसे ना कैसे करके खाना होगा, और भाई मैं क्या करूं क्या करूं। ओए गाइस यार मेरे पास एक खतरनाक वाला आइडिया है, देखो असल में उस स्विमिंग पूल के अंदर पानी पता हूं कहां से जा रहा है, वो जा रहा है यहां से इस वाले पॉन्ड में से। अगर मैं इसके अंदर एक केमिकल मिला दूं जिससे वो पूरा पानी जहरीला हो जाएगा, जिससे फिर वो बेहोश हो जाएगा, फिर मैं उसको खा लूंगा, तो मेरे पास एक खतरनाक वाली चीज है जिससे इस पूरे के पूरे पानी के अंदर धुआं धुआं हो जाएगा, जिससे वो गोरिल्ला बेहोश हो जाएगा। चलो गाइस यार इससे अच्छा और मेरे को क्या आइडिया मिलेगा, जल्दी से यार ये दवाई डाल देता हूँ इसके अंदर, मेरे हाथ में रही ये लो तीन बहुत या चार डाल दू। ओके तो गाइस यार अब थोड़ी देर में धुआं ही धुआं हो जाएगा। ओ गाइस यार ये तो कुछ ज्यादा ही धुआं हो गया, लगता है मैंने ज्यादा दवाई डाल दी यार। ओ नो मैं तो पागल हूं, कुछ ज्यादा दवाई डाल दी, कितना तेज धुआं हो रहा है यार, बस वो बेहोश हो जाए। तुम्हारा भाई तो कमाल है यार बिल्कुल। अरे अंकल ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटे, तैरता रहे गंदगी निकल रही है। ओ भाई साहब लो धुआं खत्म हो गया, चलो गाइस यार चलते हैं जल्दी से, सही है मैं बेहोश नहीं हुआ धुएं में। ओ भाई साहब देखो यहाँ पर ये गोरिल्ला बेहोश हो चुका है, चलो गाइस यार अब इसको जल्दी से खा लेता हूं। यम 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 यम। मजा आ गया, क्या मीठा मीठा टेस्ट था इसका। चलो यार जल्दी से चलता हूं वापस यार, इससे पहले इनके पापा आ जाए और भाई साहब वो मेरे ऊपर शक ना कर ले। चलो 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 जल्दी से वहां पर खड़ा होता हूं जाकर। अरे भाई साहब ये क्या, मैं इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता हूं? अरे भाई साहब अरे देख रहे हो ना ढंग से, अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे मैं कुछ नहीं यार, पैसे भूल गया था घर पर। अरे ये क्या, वो मेरा नीला वाला गोरिल्ला बेटा कहाँ चला गया भाई साहब? आपको तो पता होगा ना? अरे हाँ मुझे पता है आपको वो नीला वाला बेटा कहाँ चला गया। ओ भाई साहब कहाँ चला गया? वो असल में ऊपर चला गया वहाँ पहाड़ों पर। ओ बेटा क्यों? अरे वो वहाँ पर असल में स्विमिंग पूल में गया है, बोल रहा है मेरे को तैरना पसंद है इसलिए वहाँ पर ऊपर लेक में चला गया। अरे ये क्या, मेरे से बिना पूछे कैसे गया वो? मेरे बेटे वहाँ पर खतरा है, वहाँ पर मत जा यार। ये क्या यार मेरा बेटा वहाँ चला गया, अभी आ रहा हूँ बेटे, टेंशन मत ले तू। गाइस यार कितना पागल है यार सही में। तो गाइस यार मैंने ये बहाना लगा दिया कि वो ऊपर स्विमिंग पूल में गया है, पर उसे क्या पता उसे मैं खा चुका हूँ। अरे अंकल अंकल अंकल। अब कौन बोल रहा? अंकल मैं बोल रहा हूँ। हमारे बच्चे तेरे को क्या चाहिए? अंकल अंकल मेरे को घुमाने ले चलो ना। घुमाने ले चलूं? आजा बाहर घुमा के लाता हूँ। अरे अंकल मेरे को बाहर आना नहीं आता, मैं इनको कूद नहीं सकता। अरे यार इतना तो सिंपल है, ऐसे चढ़ के कूदना होता है। अरे अंकल मेरे को वहाँ ऊपर जाना पहाड़ के ऊपर घूमने, मैं आज से पहले कभी भी पहाड़ के ऊपर घूमने नहीं गया। क्या तेरे को पहाड़ के ऊपर घूमने जाना है? अरे हाँ अंकल। चलो गाइस यार अभी मैंने इसको बाहर निकाल लिया है यहाँ से। अरे अंकल शुक्रिया आपका, चले अब घूमने। अंकल पहाड़ के ऊपर चलना प्लीज प्लीज। ओके वहाँ जाएगा ऊपर? अंकल वहाँ ले चलो मेरे को घुमाने के लिए, पापा नहीं लेके जाते। चल आजा कोई बात नहीं, हम घुमा के लाएंगे तुम्हारे अंकल तेरे को। चलो गाइस यार ये लोग तो अपने आप डिमांड मांग रहे हैं भाई, मैं तो कुछ कह भी नहीं रहा। चलो अब इसको वहाँ पहाड़ की चोटी पर ले जाके चुपचाप खा जाऊंगा। अरे अंकल मजा आ रहा, ठंडी हवा आ रही। आजा बेटे आजा। अरे अंकल ये क्या है? अबे इसे कहते हैं रोड, और यहाँ पर चलती है गाड़ियाँ, आराम से आइयो। अरे अंकल इतना तो मेरे को भी पता है, पागल ना समझिए। हाँ मेरे को पता है। अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? अरे अपना काम से काम रखना। चलो गाइस यार यही मौका है, आ जाओ और ऊपर चलते हैं। अंकल बिल्कुल टॉप पे चलेंगे, टॉप पे। हाँ बिल्कुल टॉप पे चलेंगे, डोंट वरी, तेरे अंकल तेरे को बिल्कुल ऊपर तक घुमा के लाएंगे, ऊपर ही पहुँचा देंगे ना। अरे अंकल कुछ कहा आपने? नहीं नहीं। चलो गाइस यार मैं इसको इतनी ऊपर लेके आ चुका, अब इसको खाता हूँ। अरे अंकल वो बेटे कितनी ऊंचाई पर आ गए, और मेरे भाई तो नीचे दिखाई भी नहीं दे रहे। अरे भाइयो वो देखो मैं कितने ऊपर आ गया, ओ देखो मेरे को, ओ पापा भी देखो। अरे पापा तो गए ना। अरे मैं भाइयो, अरे ये क्या, ओ बच्चा मेरे को कोई। गाइस यार ये खाई में गिर गया अपने आप ही, यार इतनी ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरा है, पक्का मर ही गया होगा यार मेरे हिसाब से तो। चलो गाइस यार जाके देखते हैं, मरा नहीं होगा तो बेहोश तो हो ही गया होगा। चलो इसको जल्दी जाके खा लूंगा। कहां पर यार तुम्हें कहीं पर नजर आ रहा है क्या? ये कहां चला गया? ओ ये रहा ना हरीला बेटा। ओ गाइस यार लगता है बेहोश हो गया। मजा आ गया, डिलीशियस। चलो गाइस यार वापस चलता हूं जल्दी से, इससे पहले इनके पापा आ जाए। गाइस यार मैंने एक और गोरिल्ला को खा लिया और अपना मीटर देखो 50% हो गया। नाइस नाइस। चलो यार हम लोग वापस आ चुके हैं और गाइस यार हमारा गोरिल्ला मीटर देखो 50% हो चुका है। ओ बेटे और भाई साहब
अरे ये क्या यार, मेरे को मेरा बेटा नहीं मिला वहाँ पर। ओ गाइस यार ये फिर से आ गया। अरे भाई साहब आप बोले वहाँ पर गया नहीं है वहाँ पर तो। अरे आपको नहीं पता क्या, ऊपर जो लेक है ना उसके अंदर बहुत बड़े बड़े वाले सी डेविल रहते हैं, वो उसको खा गए होंगे। अरे सर ये आप क्या कह रहे हो सर, यार ऐसे मत करिए। ओ ये क्या, वो मेरा एक और बेटा गायब हो गया। अरे मेरा हरीला बेटा कहाँ चला गया भाई, अब मेरा हरीला बेटा कहाँ है। अरे यार आपका हरीला बेटा बोला मैं घूमने जा रहा हूँ इसलिए वो घूमने चला गया। अरे सर आप क्या कह रहे हैं, मेरा बेटा दोनों गायब हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका एक बेटा था उसको तो असल में सी डेविल खा गए होंगे, उस लेक के अंदर रहते बड़े बड़े बहुत खतरनाक वाले मॉन्स्टर। मैं कहता हूँ आप अपने दूसरे बेटे को ढूंढने जाइए जल्दी सी। मेरा बेटा कहाँ गया, दूसरा वाला बता दे भाई साहब प्लीज, मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज यार हटा दो। वो असल में उस पहाड़ी के ऊपर गया है। ऊपर? हाँ पहाड़ को ऊपर। हाँ वो पहाड़ी के ऊपर गया है, बोला मेरे को पहाड़ों पर घूमना बहुत पसंद है। और उसको पसंद तो है बाहर घूमना, पर उसको घूमना ही नहीं आता इसलिए मैं उसको घूमने नहीं जाने देता। आप उसको जल्दी ढूंढिए इससे पहले उसको शेर वेर खा जाए। आपको पता है ना पहाड़ों ऊपर शेर वेर रहते, खा गए तो उसको। और आप सही कह रहे हो, और मेरे को जल्दी जाना चाहिए। और मेरे बेटे तू पहाड़ के ऊपर अकेला क्यों चला गया, अभी मैं आता हूँ तेरा पापा तेरे को लेके आएगा, बाद में घुमा लूंगा, पर वापस आ जा मेरे बेटे। गाइस यार डर गया यार, एकदम आ जाता है सही में ये। अरे अंकल, अरे वाह एक और ने बुला लिया। हाँ भाई गोरिल्ला बेटे। अरे अंकल, आपको क्या सोकर खेलना आता है? सोकर? वो कैसे खेलते हैं? अरे अंकल कुछ नहीं, आपको सिंपली इन बॉल को तेज तेज मारना होता है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है इनके साथ खेलने में। देखो अंकल देखो है ना मजेदार चीज। हाँ मजेदार तो काफी है ये। अरे अंकल आप भी खेलो ना, मजा आएगा, देखो ऐसे भाग भाग के इन बॉलों को मारना होता है। मजा तो तेरे को काफी ज्यादा हो रहा होगा यार पर्पल बेटे। अरे अंकल आप भी तो खेल के देखो एक बार प्लीज, मेरी बात मानो। अंकल मेरी बाहर चली गई बॉल। टेंशन मत ले बेटे, मैं लेके आता हूँ वापस पिंजरे के अंदर बोल। गाइस यार बाहर निकाल दे इसने बोल। ओ यही मौका है मेरे पास, चलो गाइस इस बोल को दूर लेके चलता हूँ। अरे अंकल अंदर लाओ ना। अबे ये अंदर नहीं आ रही। अबे यार ये खेलते कैसे है, अबे ये तो दूर जाती जा रही है। अबे कोई तो मेरी मदद करो, ये बोल बहुत दूर जाया जा रही है, लगता नहीं है मैं इसको कभी पकड़ पाऊंगा यार। अबे इसको कोई तो रोको बोल को। अरे अंकल मेरी बोल वापस लाओ। रुको मैं लेता हूँ अपनी बोल वापस आकर, तुम्हें आता ही नहीं है खेलना। हाँ जल्दी आ जल्दी इस बोल को पकड़। अरे अंकल देखो, अरे ये क्या बोल पकड़ में क्यों नहीं आ रही, लगता है क्या हो रहा है। आ अंकल। गाइस यार यही मौका है, मैं भाई इसको इतनी दूर लेके आ चुका हूँ इसके दूसरे भाई से, अब इसको जाके चुपचाप खा लूंगा। ओ बेटे हाँ क्या पकड़ ली क्या बोल। अरे अंकल देखो मैं तगड़ा खेलता हूँ ना, मैंने बोल पकड़ ली। शाबाश तू बहुत तगड़ा खेलता है यार, तू तो होनहार बच्चा है बिल्कुल। अरे अंकल हाँ, पर मैं तेरे को एक और तरीका बताऊँ बोल पकड़ने का। अंकल क्या है वो तरीका? वो मैं पास आ मेरे मुंह के पास आ थोड़ा, जब बताता हूँ तेरे को। अरे अंकल बताओ ना। रुक चल मैं तेरे को कान में आके बताता हूँ। हाँ अंकल जल्दी बताओ। देख ये होता है असल में यम। मजा आ गया भाई। ओ भाई कितना डिलीशियस था। गाइस यार मैं तीन को खा गया, बस चौथा बचा है। चलो यार जल्दी से अब चौथे को भी खाते जाके, और उसके बाद भाई हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे एक अल्टीमेट गोरिल्ला के अंदर। गाइस यार मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, आप लोगों को बताओ यार आ रहा है नहीं आ रहा है। और भाई साहब वो मेरे को मेरा बेटा नहीं मिला वहाँ पर। आप लेट हो गए होंगे, शेर खा चुके होंगे उनको। ये क्या वो मेरा पर्पल बेटा कहाँ गया। और भाई साहब मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है, तुम मेरे बेटों को गायब कर रहे हो। अबे कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं बता तो रहा हूँ आपके बेटे कहाँ चले गए सारे सारे। और आज से पहले नहीं हुआ, आज तुम आए हो तो मेरे बेटे गायब होते जा रहे हैं, एक वहाँ गायब हो गया एक वहाँ गायब हो गया, कहीं तुमने तो मेरे बेटों के साथ कुछ नहीं किया। अरे यार मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा। और मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है बहुत ज्यादा, मैं तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं करता, जब से तुम आए हो मेरे बेटे गायब हो रहे हैं, मेरा एक ही बेटा बचा है, मैं अपने बेटे के साथ रहूंगा, जाओ भाई साहब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे रंगीले बेटे मेरे साथ रहियो, ठीक है ना। बिल्कुल। ओ गाइस यार अब ये इसका गोरिल्ला पापा इनके साथ खड़ा हो गया, अब मैं क्या करूं यार, मेरे को इसको खाना होगा किसी भी हाल में लास्ट वाले को, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं खाऊंगा तो यार मैं अपग्रेड नहीं हो पाऊंगा यार, ये आखिरी खाना भी जरूर यार। अब मैं क्या करूं गाइस यार, कोई तो आइडिया दो यार, तुम्हें तो वो आइडिया का भंडार है तुम्हारे दिमाग के अंदर, कोई तो आइडिया होगा तुम्हारे पास। हो गाइस यार एक आइडिया आ गया, चलो गाइस यार अभी बताता हूं मैं क्या करने वाला हूं। तो गाइस यार यहां पर असल में गाय होती है ना, गाय और जो बाकी जानवर होते हैं वो असल में भूसा खाते हैं। देखो यहां पर इतना सारा भूसा डाल रखा है, ये सारा होता है सूखा भूसा, मैं इसके अंदर आग लगा देता हूं। अरे आग लग गई, देखिए वहां पर आग लग गई, वहां घर के अंदर आग लग गई। ओ नो ये क्या हो गया, ओ नो। अरे ये क्या भाई साहब क्या हो गया, ओ नो। अरे मेरे भूसे के अंदर आग लग गई। अरे ये कैसे हो गया, अरे भूसे में आग लग गई, मेरे को जल्दी से बुझानी होगी आग जाकर। ओ ये क्या हो गया, अरे बाबा आग बुझाओ पानी बुलाओ। ओ गाइस यार वो चला गया यहाँ से, मेरा आइडिया काम करके, चलो जल्दी से इसको खा लेता हूँ। पापा
गाइस यार मैंने चारों को खा लिया और मैं फाइनली अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक वाले गोरिला के अंदर। देखो मैंने एक आर्मर पहन लिया है खतरनाक वाला। गाइस यार अब लग रहा हूँ मैं एक गोरिला। तो गाइस यार अभी मुझे और भी ज्यादा गोरिला खाने होंगे जिससे मैं एक अल्टीमेट गोरिला बन सकूं। तो गाइस यार अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। ये सामने आप लोग देख रहे हो ना, ये असल में लॉस सैंटोस का जू है और यहाँ पर अभी मैं ढूंढ रहा हूँ गोरिला को। अबे ये तो बंदर है यार, मेरे को बंदर थोड़ी खाने, मेरे को गोरिला खाने है। ये क्या है, अबे सुअर खाऊंगा क्या मैं, इतना गंदे दिन आ गए मेरे। ये क्या है, ये भाई गाय है। ओ पागल होगा, गाय के पास तो देखना मैं थप्पड़ गुच्ची गुच्ची दूंगा तुम लोगों के। ओके गाइस ये क्या है यहाँ पर, ओ ये रे गोरिला यार यहाँ पर। ओए यहाँ पर तीन गोरिला है, चलो गाइस मजा आने वाला है। यहाँ पर मुझे तीन गोरिला मिल चुके, इन तीनों को खाकर मैं तो अल्टीमेट गोरिला बन जाऊंगा यार। पहले मैंने बच्चे खाए थे पर ये पूरे बड़े गोरिला है। ओके कोई बात नहीं यार, पर प्रॉब्लम ये है यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होगी, इन लोगों को कैसे चकमा दूं यार। तो गाइस यार तुम्हारे भाई के पास हर चीज का आइडिया है, मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ ये मिलिट्री का ट्रक। अब तुम लोग देखना मैं कैसे क्या गेम खेलता हूँ इन लोगों के साथ। अरे भाई कहाँ जा रहा है, बाहर उतर। भाई उतर रहा हूँ। अरे बाइटा आ गया भाई मेरे गले में। अरे काय का बाइटा आ गया। अरे मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी, अपने बॉस को बुलाओ जल्दी सी, उससे मुझे बात करनी है। हारी कौन बुला रहा? हाँ बोल, क्या चाहिए तेरे को? सुनो भाई साहब मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बताइए क्या चाहिए आपको? असल में मैं मिलिट्री से आया हूँ और मुझे पता चला है कि बहुत ज्यादा गोरिले मारे जा रहे, तो मिलिट्री वालों ने मुझे भेजा है यहाँ पर। गोरिला आपने रख रखे उनको घर लेके जाना है वापस। क्या बोल रहे हो आप? हाँ उनको मिलिट्री बेस पर लेके जाना, उनको ज्यादा सुरक्षा में रखा जाएगा और उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी जिससे बहुत ज्यादा आबादी बढ़े गोरिल्ला की, वरना सारे गोरिल्ला खत्म हो जाएंगे लॉस सैंटोस में से। इसलिए मिलिट्री वालों ने मुझे भेजा है, तो चुपचाप अपने सारे गोरिल्ला मुझे दे दीजिए, वरना आपको धारा 144, 45, 46, 48 सारी धारा आपके ऊपर लगा के आपको 100 साल की जेल भेज दी जाएगी। अरे भैया हमारे बीवी बच्चे हैं, हमको जेल नहीं जाना, आप ले जाइए उन गोरिल्ला को, हम आपकी मदद भी करेंगे गोरिल्ला ले जाने में। हाँ शाबाश, एकदम बढ़िया वाली बात की, आप एक सच्चे नागरिक है, बिल्कुल देशभक्त में बिल्कुल भक्ति आप में। अरे भैया अरे बॉडीगार्ड जल्दी जाओ, जाओ सारे गोरिल्ला को लेके आओ। हाँ बॉस अभी जाता हूँ। अरे बॉस वो बहुत बड़े हैं, मैं नहीं ले पा रहा उनको। अरे भैया आपको खुद ही लेके जाने पड़ेंगे, वो नहीं आ रहे हैं। ओके कोई बात नहीं, चलो आपने हाँ भर दी, वही बहुत बड़ी बात है, चलो मैं उनको खुद ले लूंगा उनसे बात करके। हाँ भैया शुक्रिया आपका, जेल मत भेजना हमको हाथ जोड़ के। हाँ नहीं भेजेंगे जेल आपको। गाइस यार देख रहे हो क्या गेम खेली इन लोगों के साथ, पागल बना दिया ना। बस एक मिलिट्री का ट्रक लेके आया, उन लोगों को लगा कि मैं मिलिट्री से हूँ, पर मैं मिलिट्री से तो हूँ ही नहीं यार। पागल भाई से भी लॉस सैंटोस के लोग। तो चलो गाइस यार आ जाओ गोरिल्ला दोस्तों, तुम्हारा जाने का टाइम आ चुका है, बैठो बैठो। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। हाँ शुक्रिया बाद में करना है मेरा। चलो हम लोग फ्री हो गए, अब हम लोग बाहर घूमेंगे। हाँ तुम लोग बाहर घूमोगे, पहले मेरे पेट से तो बच जाओ। अरे आपने कुछ कहा? नहीं 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 मैं तो तुम लोगों को यहाँ पर छुड़ाने आया हूँ, चलो चलते घर पर। हाँ चलो बाहर घूमेंगे। हाँ शाबाश शाबाश, चलो चलो हो गया, छुट्टी हो गई, बल्ले बल्ले, चलो सभी के सभी लोग चलो। ओए बेटे ओ बेटे यहाँ पर ही रोक लेता हूँ, बहुत दूर आ गया हूँ मैं जू से, पेड़ की ओट में अब सही है यहाँ पर। अरे भैया यहाँ क्यों रोकी है? अरे मुझे तुम लोगों से एक बात कहनी थी, हमारे पास एक खतरनाक वाला प्लान है, चलो मैं तुम लोगों को प्लान बता देता हूँ। हाँ बताओ। एक बार पास आओ मेरे जल्दी से, आ जाओ आ जाओ। गाइस यार मैंने उन तीनों को भी खा लिया, और ये क्या मैं ये अब कहाँ पर आ गया गाइस? ओ भाई देखो यार मैं कितने खतरनाक वाले गोरिल्ला किंग कोंग में अपग्रेड हो चुका हूँ भाई, अब लग रहा हूँ डेंजर में डेंजर। गाइस यार अब लग रहा हूँ खतरनाक बिल्कुल यार मैं। ओए यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है यार, देखता हूँ। ओए ये कौन है यार? अबे तो पापा गोरिल्ला है। गाइस यार उसके साइड में कौन खड़ा था पता नहीं, लगता है यहाँ पर कुछ काम की चीज चल रही है मेरे ही काम की। गाइस यार ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं भी चलता हूँ देखता हूँ आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ओ भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ पर? अबे मेरे से भी बता दो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा ही बताइयो, ज्यादा बताइयो मत। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैंप चैलेंज के अंदर। ओ बेटे यहाँ पर तो काफी खतरनाक गोरिल्ला आए हैं, मजा आ गया देखकर, मैंने आज से पहले इतने गोरिल्ला नहीं देखे, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाँ पर करना क्या है, आप लोग खुश हो जाएंगे बिल्कुल देखकर इस चीज को। सबसे पहले आपको यहाँ पर से इन जेट स्की को उठाना है, और उसके बाद यहाँ पर ढिंचक करते हुए यहाँ पर आपको बाइक लेनी है। बाइक लेने के बाद यहाँ से फ्लाईओवर से फ्लाई करके इन चीजों से बच के जो यहाँ पर लास्ट में पहुंचेगा फुल डांस करते हुए, उसे हम लोग देने वाले ग्रैंड प्राइज वो है ये चार गोरिल्ला। बताइए
वो मेरे चार बेटे थे, मेरे चारों बेटों को पता नहीं कोई खा गया, अब मैं ही तो खा गया। अरे कोई भी खा के गया हो, पर मेरे को मेरे नए बेटे चाहिए। मैं इन चारों को अपना बेटा बनाऊंगा और प्यार से रखूंगा। मुझे मेरे चार बेटे चाहिए, इन चारों को जीत कर मैं इनको अपना बेटा बनाऊंगा। अब सुन तो लिया हमने, अरे बस तुम लोग देखना, एक पापा की शक्ति फिर जीत जाएगी। अब वो तुम लोग देख ही रहे हैं। तो गाइस यार, यहाँ पर ये रैंप चैलेंज कौन जीतने वाला है? ऑफकोर्स मैं ही जीतूंगा, बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो यार, गोरिल्ला तो आप ही बनोगे। जल्दी यार लिख दो सुमित गोरिल्ला, जल्दी जल्दी, जिसने नहीं लिखा ना देख लेना यार, मजा नहीं आएगा फिर बिल्कुल भी बात में। जल्दी से लिख दो यार सुमित गोरिल्ला अगर आपने तक नहीं लिखा है तो। ओ गाइस यार ये क्या कर रहा है यहाँ पर, काफी खतरनाक तरीके से जाया जा रहा है। ओए अभी यहाँ पर ये क्या करेगा, इतनी बड़ी मोटरसाइकिल ले तो ली पर इस डंडे से आगे कैसे जाएगा? अरे बेटे, अरे भाई साहब देखना तुम, अरे ये क्या, अरे अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, अरे मेरी तो टट्टी निकल गई, अरे बच जाओ। गाइस यार ये कौन है? मैं हूँ वोल्डर बियर। वोल्डर बियर? अबे तू गोरिल्ला नहीं है क्या, कोई बियर है क्या तू? मैं हूँ वोल्डर बियर और मुझे ये चार गोरिल्ला चाहिए। इन चारों गोरिल्ला को खाकर मैं एक ताकतवर वोल्डर बियर बनूंगा। गाइस यार ये तो एक बियर है भाई, यार ये जीत सकता है क्या? लग तो नहीं रहा यार मेरे को, पर अगर ये जीत गया तो तुम्हारे भाई का प्लान कैंसिल हो जाएगा भाई, मैं कभी भी एक खतरनाक गोरिल्ला नहीं बन पाऊंगा। गाइस यार तुम लोगों को कुछ करना होगा, इसकी बैंड बजानी पड़ेगी। जल्दी से यार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो लूज लूज, जिससे यार ये नीचे गिर जाए, वरना अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखा तो ये जीत जाएगा यार। चल लिख दो यार लॉस लॉस लूज लास्ट लॉस, जो भी लिखना लिख दो यार, बस लिख देना अच्छे से, ठीक है? अरे ये क्या भाई साहब, यहाँ पर ये लकड़ी बार बार आगे पीछे जाएगी तो आगे कैसे जाएंगे? वोल्डर बियर को सब पता है कि कैसे करना है। ओके तो गाइस यार मुझे खुद नहीं पता यहाँ पर करना क्या है, पर अगर इस बंदे को पता है इससे ये फायदा होगा कि मुझे भी पता लग जाएगा आखिर इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो ये अगर इसे कर लेता है काफी अच्छी बात होने वाली है। ओके तो भाई साहब ये पीछे लाए जा रहा है मोटरसाइकिल, अबे क्या वापस आएगा, सिर पर चढ़ेगा हमारे? ओके तो गाइस यार यहाँ पर ये क्या करा भाई साहब, इतनी तेज वाली जंप लगाई जिससे डायरेक्ट इस लकड़ी के आगे आ गया, कमाल है भाई साहब, दिमाग तो इस बोल्डर में नहीं पता क्या नाम जैसे बताया था इसने। ओके तो गाइस यार ये तो आगे जाया जा रहा है, अबे ये तो जीत जाएगा ऐसे। अबे तुम लोगों ने अभी तक लॉस नहीं लिखा क्या? जल्दी लिखो यार, वरना ये जीत जाएगा यार, तुम्हारा भाई हार जाएगा। ओ ये तो आगे बढ़ते ही जा रहा है यार, मेरे को डर लग रहा है यार, ओ मेरा पथरी में डर तो उठ गया यार, कोई तो इसको हराओ प्लीज, है भगवान कहो इसको हरा दो जल्दी सी। और भाई साहब ये उड़ गया, उड़ता परिंदा, अबे क्या होगा, अबे हारेगा जीतेगा क्या होने वाला है यहां पर, और ये सीधा पानी में। ओ बेटे मजा आ गया। चलो गाइस यार अब तुम्हारे भाई की बारी है, और तुम्हारे भाई को तो कोई हरा भी नहीं सकता क्योंकि यार हम है प्रो प्रो ब्रो, क्योंकि यार तुम लोग हो मेरे साथ। गाइस यार सुमित ओपी की फैमिली जब हमारे साथ, हम लोग हार कैसे सकते हैं? ओए ये ले भाई साहब ढिंचक पूजा से मुके, फुल स्पीड में जाऊंगा मैं। ओए ये क्या यार, मैं तो उतर गया ज्यादा जल्दी, अब जल्दी से एक बाइक लेता हूं, मुझे चाहिए सेकंड नंबर वाली बाइक। अबे फिर उतर गया। चलो गाइस यार अब हमने ले लिए खतरनाक वाली बाइक और ये उड़ाई यहां से बूम बेबी, अब यहां से फुल स्पीड में लेके जानी क्योंकि यहां पर लेना है एक जंप। ओ बेटे अरे हम तो है के खतरनाक, हमसे कोई ना खतरनाक, तुम लोग बस डट के रहियो। ओ भाई साहब अब मेरे को बस उस जगह पर धीरे धीरे लेके जाना है जहां पर वो बोल्डर बियर एक्सपायर हो गया था, एक्सपायर मतलब हार गया था, समझ रहे हो ना जो कहना चाह रहा हूं मैं, बस तुम लोग समझ जाया करो, एक्सपायर हो यार तुम लोग, बिल्कुल बुद्धिमान लोग हो यार। और आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है यार, क्योंकि कंपटीशन में कोई है ही नहीं ना, आज ना कोई है ना कल कोई है, तेरे यार दा तो कोई कंपटीशन नहीं। चलो 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 बेटे हम लोग चल दिए। ओए 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 भाई 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 नहीं 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 ज्यादा, अरे क्या हो गया, अरे बैंड बज गई, अबे मेरे को वापस ट्रैक पे जाना पड़ेगा, बस 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 पहुंच गए। ओले भाई साहब, अबे मेरे को लगा दुनिया पलट गई मेरी एकदम के लिए, तो पता ही नहीं क्या हुआ था। चलो कोई बात नहीं, हम लोग बिल्कुल सेफली आ चुके हैं यहाँ पर, बस अब मुझे यहाँ से और आगे जाना है, बाइक को करा सीधा। चलो ले मेरे भाई, ले मेरे मिला बेला। ओए 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 अबे ये क्या है, अबे इसके अंदर नहीं जा सकते क्या हम लोग, अबे ये तो चीटिंग है। चलो नहीं हम लोग ऊपर से चले जाएंगे, हम तो प्रो है क्या कोई? गाइस यार यहाँ पर हम लोग आगे जा रहे हैं, नाइस गाइस, बस पूरी फिनिश लाइन, थोड़ा सा और आगे जाना है और उसके बाद हमें कोई नहीं रोक सकता अल्टीमेट गोरिल्ला बनने से। चलो चलो चलो, ओहो मेरे अंदर का गोरिल्ला जाग गया, अरे नहीं अरे मैं डूब गया, एक सेकंड नहीं मैं डूबा नहीं हूँ यार, यहाँ पर असल में शायद मोटरसाइकिल लेके नहीं जाना, पैदल जाना है। ओ बेटे इनके ऊपर कूद कूद के भी जा सकते हैं, नाइस नाइस नाइस। चलो यार यहाँ पर जंपिंग झपैक करते हुए चलते, बस थोड़ा सा और यहाँ पर हम लोग पहुंचने वाले हैं पूरी फिनिश लाइन,
आ रहा हूँ मैं। ओ बल्ले, ओ गाइस यार बस थोड़ा सा और ये मर जा बात, तेरी ऐसे ऐसी पहुंच गए। ओ गाइस यार फाइनली हम लोग जीत चुके हैं और मुझे मिल चुके हैं मेरे चार खतरनाक वाले गोरिल्ला। चलो गाइस यार अब बिना टाइम वेस्ट किए चारों को खाता हूँ, नमक लगाऊं यार, मिर्ची कुछ भी नहीं लगाता हूँ, नमकीन के बिना खाता हूँ। गाइस यार देखो फाइनली हम लोग खतरनाक वाले गोरिल्ला के अंदर चेंज हो चुके हैं। पर गाइस ये क्या गोरिल्ला कम, ये तो ड्रैगन ज्यादा लग रहा है, लगता है मैं गोरिल्ला प्लस ड्रैगन बन चुका हूँ। मेरे तो भाई खतरनाक वाले ड्रैगन जैसे पंख भी है यार, ये काफी खतरनाक लग रहा है यार। मेरे तो दो सींग भी है यार। पाडा हूँ क्या मैं? पाडा के होते हैं दो सिंह? हाँ पाडा के नहीं होते, शायद गाय के होते हैं, नहीं झोटे के भी होते हैं यार। पर यार मैं तो बनाऊ एक खतरनाक वाला गोरिल्ला, सिंपल सी बात है। चलो अब हम लोग अपने घर चलते हैं। कहाँ जा रहा है? इधर आओ वापस। अबे ये कौन आ गया? अबे सफेद सफेद चिड़िया कहाँ से आ गया तू? मैं सफेद चिड़िया नहीं, मैं हूँ वर्ल्ड बियर। अबे ये वापस क्यों आ गया और इतना ताकतवर कैसे हो गया तू? क्योंकि मेरे पास पहले से काफी सारे गोरिल्ला थे, पर मुझे वो चार गोरिल्ला और चाहिए थे जिससे मैं और ताकतवर हो सकूं, और तूने मुझसे वो छीन लिए, मुझे वापस दे। अगर तू मुझे वो वापस नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अबे मेरे को खाने की जरूरत नहीं है, मेरा टेस्ट बहुत गंदा है, मैं हार्ट अटैक भी नहीं करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस यार ये तो बड़ा गंदा आदमी है यार, हाइजीनिक भी नहीं है बिल्कुल भी। अरे अरे भाई ओ बस अरे बजा दी मेरी बैंड इसने पुंगी से मुंह के, अब दूर होना मेरे से। अबे यार ये कौन है यार, अजीब बीमारी, पर ये मेरे को बहुत बुरा मार रहा है यार। अब मुझे खड़ा भी नहीं होने दे रहा है यहाँ पर। अब भाई मेरे को खड़ा तो होने दे, जब ही तो लड़ाई करेंगे हम लोग। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वर्ल्ड बियर का कहर देख अब तू। अबे यार मेरे को यहाँ से थोड़ा बाहर निकलना होगा वरना ये मेरी बैंड बजा देगा। गाइस यार अभी हम लोग आ चुके मिलिट्री बेस में काफी दूर, अब बता क्या करेगा? अब पाड़ लेन फुंजड़। ओ ये क्या है मेरे पास? ओ भाई मेरे को नहीं पता था मेरे पास ये लेजर भी है, पता नहीं यार कहां से आई, पर कुछ भी हो भाई। ओए भाई साहब ओ बैंड बजा दी लगता है मैंने इसकी। अबे क्या हो गया? अबे वर्ल्ड बियर, ओए मोटा बियर, क्या हो गया इसका? भाई लगता है हार गया यार ये, इतनी जल्दी हारना था तो खेलने क्यों आया मेरे साथ यार। अम्मा ने मजा नहीं आया इसके साथ यार, चीटिंग करके हार गया यार। बताओ हारने में भी चीटिंग करते हैं लोग, जीतने में तो सुनी थी, हारने में भी चीटिंग कर रहे हैं लोग। एट तेरी ऐसी गाइस यार मैंने वोल्डर बियर की बियर खिंडा दी सही में। गाइस यार मजा आ गया आज तो सही में। तो गाइस यार मैंने तो इसको खिंडा दिया, पर तुम लोगों ने अभी तक एक चीज नहीं खिंडाई है, वो है सब्सक्राइब बटन। मुझे नहीं पता थाली फेंक के मारो प्लेट फेंक के मारो, थाली और प्लेट एक ही रहती है ना, पर चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। और वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हम मिलेंगे इसको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। जब तक के लिए सायोनारा।